हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ईजी रेसिपी विद भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे राजस्थान की फेमस कांजी बड़ा की रेसिपी, जो बहुत आसान रेसिपी है और इसको हर एक कोई बना सकता है। बस थोड़ा सा टाइम इसको लगता है बनाने में और बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा नहीं लगेगा और ये बहुत आसानी से बन जाएगी घर में। तो ये कांजी बड़ा की जो रेसिपी होती है, इसके बड़ा बहुत ही सॉफ्ट और नरम होते हैं और इनको बनाने में ज़रा सा भी समय नहीं लगता, सिर्फ इसके पानी को बनाने में समय लगता है। तो आज इसको हम बनाएंगे एक सरल तरीके से और आप सबको दिखाएंगे। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक जार ले लिया है और 1 लीटर यहाँ पर गर्म पानी डाला है। गुनगुना पानी है, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी नहीं डालेंगे। वैसे तो ये कांजी बड़ा की रेसिपी जो होती है मिट्टी के मटके में बनती है, तो अगर मिट्टी का मटका हो तो वो ले लें, ना हो तो इस तरह का कांच का जार ले लें। अब यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर डालेंगे, ये मोटा कूटा हुआ पाउडर है सौंफ का, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, भुना हुआ जीरा है ये और इसको हमने क्रश्ड कर लिया था, 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पानी का, 1 टेबल स्पून रेड चिली डालेंगे, ये भी मोटी कुटी हुई रेड चिली है, 1 टीस्पून इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें कलौंजी डालेंगे, 4 चम्मच मस्टर्ड सीड ले ली है और इसको हमने मोटा मोटा क्रश्ड कर लिया था और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, अभी इसमें हल्दी भी डालेंगे। पहले हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। ये कांजी बड़ा का जो पानी होता है बहुत ही टेस्टी लगता है, खट्टा चटपटा पानी बनके तैयार होता है। बस इसके पानी बनाने में टाइम लगता है, बड़ा बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने हल्दी ले ली है, हल्दी से काफ़ी अच्छा कलर भी आएगा। अब ये जो कांजी बड़ा का पानी है, इसको हम बना के 24 घंटे तक रखेंगे, 2 दिन करीब धूप में रखेंगे अगर समय है, नहीं समय है तो 1 दिन की पूरी धूप लगने देना इसमें और तब ये पानी जाके तैयार होगा। अगर ज़्यादा समय है तो 2 दिन की धूप ज़रूर लगने दें इसको, अच्छे से इसको हम कवर करेंगे और 1 से 2 दिन इसको धूप में रखेंगे। और इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डस्ट चली जाएगी, इसलिए कवर करके ही इसको धूप में रखेंगे। तो अब हम इसको बड़ा बना लेंगे। 2रा दिन हो गया है, पानी भी रेडी हो गया है। तो अब ये हमने सोक्ड उड़द दाल ले ली है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले लें। हमने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल ली है और रात भर पानी में भिगो दी थी और पानी इसका निकाल के छिलके निकाल दिए हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे 1 टुकड़ा हमने अदरक का डाला है, 3 से 4 कटी हुई लाल और हरी मिर्च ली है, 1 पिंच हींग डालेंगे और 2 चम्मच पानी डाल के अच्छे से दाल को हम ग्राइंड करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई है, एकदम चिकनी दाल बन के रेडी हुई है। तो इसको एक हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से इसको एक ही साइड की तरफ मिला देंगे। जैसे हम दाल फेंटते हैं तो उसको एक ही साइड की तरफ घुमाते रहते हैं, उसी तरह इसको हम फेंटेंगे। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर जो हम बड़े बना रहे हैं तो वो एकदम फ्लफी बनते हैं और एकदम सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। इस तरह से अगर दाल को फेंटेंगे और हम चेक करके भी बताएंगे कि दाल रेडी हो गई है फेंट के कि नहीं अभी। तो इसको कैसे चेक करेंगे ये भी देख लीजिए कि कैसे चेक करेंगे। 1 कटोरी में हम पानी ले लेंगे और थोड़ी सी दाल इसमें डालेंगे। दाल अगर ऊपर आ गई है तो समझ लो दाल रेडी है। तो ये देखिए ऊपर एकदम दाल है, नीचे बिल्कुल नहीं बैठी है। तो अब हम इसका पानी देख लेते हैं। 24 घंटे हो गए हैं, पानी बनके रेडी हो गया है। अब हम बड़ा बनाएंगे।
तो यहाँ पर हमने तेल गरम कर लिया है, बड़ा हम डीप फ्राई करेंगे। और बड़ा के आकार में या छोटे जिस तरह के भी बनाने हो, गोल या किसी भी तरह के कोई भी आकार दे सकते हैं, डीप फ्राई कर लेंगे हम। अभी ये छोटा साइज लग रहा है, जब बनने के बाद जब ये पानी में जाएंगे काफ़ी फूल जाते हैं और बहुत बड़े बड़े बड़ा बन के रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल लगी है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम नई नई वीडियो लाते रहते हैं कुकिंग की। इनको हमें दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन करना है और जब अच्छे से बड़ा बन के रेडी हो जाएंगे तो इनको एक प्लेट पे निकाल लेंगे। दाल हमारी अच्छे से फेट गई थी इसलिए बड़ा काफी फूलने लगे हैं फ्राई करने में ही। फ्रेंड्स, ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसका पानी बहुत टेस्टी होता है, खट्टा मीठा और चटपटा। तो अगर ये रेसिपी आप बनाएंगे, आपको भी ये बड़ा की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। कांजी बड़ा वैसे भी खाने में बहुत मज़ा आता है और बिना प्याज लहसुन के ये बड़ा बनके रेडी हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए, इनका कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसका तेल निकलने के बाद इसको हम प्लेट में डाल लेंगे और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम पानी में डालेंगे। इनको डायरेक्ट हमें कांजी में नहीं डालना है, पहले हम सादे पानी में डालेंगे और फिर हम जार में डालेंगे। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद इनको हम निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद इनको हम निकाल के जार में डालेंगे और दूसरे राउंड की जो दाल बच गई थी वो भी हमने इसी में सोक करने के लिए डाल दिए हैं। और ये अच्छे से सोक हो गए हैं। तो ये देखिए कितने फूल गए हैं, अभी ये पानी में जाएंगे कांजी में तो और ज़्यादा फूल जाएंगे। तो अब हम पानी को एक बार फिर से मिला लेंगे और इसमें एक एक करके सारे बड़ा डाल देंगे, जितने आएंगे डाल देंगे, जो नहीं आएंगे दूसरे बाउल में हम पानी थोड़ा निकाल के डाल देंगे। तो ये कांजी बड़ा की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी और ये राजस्थान की फेमस रेसिपी है। तो अगर आप सब इसको बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए पानी में पड़ने के बाद और फूल गए हैं बड़ा, और इनको हम फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन आराम से खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।